तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एपिसोड। और जस्ट हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हाइड्रोलिक लीवर जो हमने इसके पहले वाले एपिसोड में पढ़ा था या सीखा था, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई जादू नहीं होता है ये हाइड्रोलिक लीवर, कि आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा वेट उठा देते हैं। एक्चुअली आपको वर्क उतना ही करना पड़ता है। एक ट्रक को उठाने के लिए जो ये ह्यूमन है, अगर वो हाइड्रोलिक प्रेस करके एक ट्रक उठा रहा है या एक कार उठा रहा है, तो वो वर्क उतना ही करेगा जितना उस ट्रक या कार को उठाने के लिए करना चाहिए। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा लगेगी। वर्क इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क भी एक एनर्जी है। सो यहाँ वर्क का कंजर्वेशन लागू होगा। अब ये कैसे लागू होगा वो हम देखते हैं। ये बिल्कुल पिछली बार की तरह है, फिगर थोड़ा आपकी बार अच्छा है, पिछली बार थोड़ा टेढ़ा लग रहा था। इधर ये एक कम क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है जिसमें फ्लूड भरा है, और यही फ्लूड सीधा इस बड़े पाइप तक भरा होता है। इस बड़े पाइप के ऊपर प्लेट होती है, उसी पर वेट को उठाते हैं। तो प्लेट व्लेट नहीं दिखाते हैं, जस्ट ऐसे देखिए। यहाँ से हमने इनपुट फोर्स एफ आई दिया था और हमको आउटपुट फोर्स एफ जीरो मिला था, एफ ओ मिला था आउटपुट फोर्स। तो आउटपुट फोर्स इक्वल टू इनपुट फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई ए टू बाई ए वन। सिंस ए टू इज ग्रेटर देन ए वन, तो मतलब आउटपुट फोर्स हमेशा ज़्यादा था इनपुट फोर्स से। ये पास्कल लॉ से हुआ था। हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो हम प्रेशर इनपुट देते हैं, वही प्रेशर सीधा ऐसे ट्रांसफ़र होकर चला जाता है। पहले ये फ्लूड स्टेटिक कंडीशन में रेस्ट में होता है, हम एक्स्ट्रा फ्लूड को प्रेशर जो एक्सटर्नल देते हैं, वो एक्सटर्नल फ्लूड जितने जहाँ तक वो फ्लूड भरा होता है, उस फ्लूड के हर पॉइंट पर वो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। ये पास्कल लॉ से आता है, आप जानते हैं। तो यही प्रेशर यहाँ जब ट्रांसमिट हुआ था, तो आउटपुट फोर्स जो मिला था हमको वो था एरिया और प्रेशर, यानी पी आई। जो यहाँ प्रेशर था वही प्रेशर वहाँ भी लगता। तो उसी से आपको पता चला था कि टोटल जो आउटपुट फोर्स था वो इतना था, इनपुट फोर्स ये, आउटपुट फोर्स ये। इसी फोर्स से हम हैवी चीज़ों को जैसे कार ट्रक को उठाते हैं। ये था हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रिंसिपल। ये तो आप जानते ही थे पिछले एपिसोड से। अब हम देखते हैं कि ये जादू नहीं है, एनर्जी उतनी ही लगती है, वर्क उतना ही करना पड़ता है। कैसे, तो ज़रा देखते हैं। जब हम इसको फोर्स से दबाते हैं यानी प्रेशर डालते हैं, तो फ्लूड जो है ना, ये यहाँ से दबता है नीचे की ओर, प्रेस होता है। तो समझो पहले फ्लूड का लेवल ये था, और अब ये दब के फ्लूड यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक मान लो आ गया। यानी ये मान लो D1 डिस्टेंस तक ये फ्लूड दब गया। अब फ्लूड यहाँ से गायब हो गया और यहाँ तक फाइनली वो आ गया। जब हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये फ्लूड दबा। तो दबाने में किया गया काम यानी इनपुट वर्क जो जो हमने किया यहाँ से, वो आया फोर्स और एफ इनपुट फोर्स, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसी डायरेक्शन में, तो D1 यानी FI D1। ये हमारा वर्क हुआ, इनपुट फोर्स और D1 डिस्टेंस, इतना इनपुट वर्क हुआ, करेक्ट।
ये जब लिक्विड ऐसे दबेगा तो जाहिर सी बात है इधर लिक्विड थोड़ा उठ जाएगा। तो मान लो शुरुआत में लिक्विड यहाँ था, अभी लिक्विड थोड़ा उठ गया, तो इतना लिक्विड जो वहाँ से दबा वो मान लो यहाँ उठ गया। और कितनी डिस्टेंस उठा, मान लो ये D2 डिस्टेंस उठा लिक्विड, तो लिक्विड D2 डिस्टेंस उठा यानी जो ये आउटपुट फोर्स है इसने D2 डिस्टेंस ट्रेवल की या डिस्प्लेस किया, इतनी दूर तक फोर्स जो है वो लगा। तो आउटपुट फोर्स ट्रेवल नहीं करता है, फोर्स ने लिक्विड को डिस्प्लेस्ड किया, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो आउटपुट वर्क आउटपुट फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो सेम डायरेक्शन में हुआ, तो ये इतना। करेक्ट, ठीक है। देखो इसको आप आउटपुट फोर्स की जगह पर ये लिख सकते हैं इनपुट के टर्म में, तो A2 डिवाइडेड बाई A1 और ये D2, ये इनपुट वर्क आउटपुट वर्क। आप क्या करेंगे, पास्कल लॉ लगता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूड पे, यानी ऐसे फ्लूड पे जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। तो यहाँ से जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो जब प्रेशर ऐसे ट्रांसफ़र होता है तो मान लेते हैं कि ये जो फ्लूड भरा है हाइड्रोलिक मशीन में, जो फ्लूड जो भरते हैं ना वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड भरते हैं जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। ये मशीन में ऐसा फ्लूड डाला जाता है, यानी ऐसा लिक्विड या ऑयल डाला जाता है। अब देखो पहले लिक्विड यहाँ तक भरा था ना, हमने इसको जब प्रेशर देकर जब फोर्स देकर जब दबाया तो लिक्विड फाइनली यहाँ से यहाँ तक आ गया था। तो वास्तव में डिस्प्लेस्ड लिक्विड इधर कितना है, जो भी है वही लिक्विड इधर टोटल उतनी ही मात्रा में या उतने ही मास में इधर बढ़ेगा। तो इधर लिक्विड कितना मास जो है वो मास लिक्विड डिस्प्लेस हुआ यानी दबा, तो वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी, मान लो लिक्विड की डेंसिटी रो है और सेम अमाउंट में उधर बढ़ना चाहिए, उठना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ी ना घट बढ़ जाएगा, मास तो कंजर्व ही रहेगा। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूड अगर हमने भरा है तो डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तो रो और वॉल्यूम A2 और कितना डिस्प्लेस्ड हुआ D2 A2 D2 जो वॉल्यूम है एरिया और हाइट, इतना ही वॉल्यूम उधर हुआ और डेंसिटी कांस्टेंट है, रो कट गया। यानी ये कह सकते हो कि जितना वॉल्यूम लिक्विड इधर दबा उतने ही वॉल्यूम लिक्विड वहाँ उठेगा। तो यहाँ से आया A2 by A1 और इधर आया आपका D1 by D2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो आउटपुट वर्क है वहाँ आप लिख सकते हो FI और A2 by A1 की जगह पर D1 by D2 और ये वाला D2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने A2 by A1 की वैल्यू रख दी, ये D2 कैंसिल हुआ, आंसर आया FI यानी इनपुट फोर्स और D1। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखिए, इनपुट वर्क FI D1 और आउटपुट वर्क, यहाँ हम 2 की जगह पे O लिख देते हैं ताकि ये आउटपुट लगे। तो आउटपुट वर्क इक्वल टू FI D1, तो सेम आया इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क सेम आया। तो आप समझ गए कि फाइनली वर्क उतना ही करना पड़ेगा जितना एक ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि आखिर इतना बड़ा ट्रक को एक ह्यूमन
उठाने के लिए क्योंकि ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, पूरी कार को अगर आप हाइड्रोलिक मशीन से उठाएं और एक ह्यूमन करें इस काम को तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। वैसे आजकल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन पंप वाली हाइड्रोलिक मशीन पहले चलती थी, ठीक है। अभी आजकल पावर स्क्रू जैक आते हैं जो स्क्रू कॉन्सेप्ट यानी फ्रिक्शन और पावर यानी टॉर्क पर काम करते हैं, तो वो अभी आपके सिलेबस में तो है नहीं स्क्रू जैक है। अगर होगा, मुझे नहीं लगता कि होगा, अगर होगा तो मैं एक दिन आपको वो सब भी बताऊंगा। ये आप सोचेंगे ना कि इतना बड़ा ट्रक को उठाने के लिए जो काम करना पड़ा है, आखिर ये लेबर कैसे कर ले गया, ये वर्कमैन कैसे कर ले गया, या एक आदमी ड्राइवर कैसे कर ले गया। तो सिंपल है, वो टुकड़ों में करता है। जैसे उसने प्रेशर लगाकर कुछ वर्क किया, थोड़ी गाड़ी उठी, फिर एक्स्ट्रा वर्क किया, फिर उठी, फिर एक्स्ट्रा वर्क किया, फिर उठी, फिर एक्स्ट्रा वर्क किया, फिर उठी। तो वो लगातार करता रहता है प्रेशर दे देकर, चाहे पैर से करे चाहे जिससे करे वो। और वो जो चीज़ है ना, वो धीरे 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 उठती रहती है। तो फाइनली उसको वर्क उतना ही करना है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। बस केवल फायदा ये होता है कि हाइड्रोलिक मशीन से हम आउटपुट फोर्स ज़्यादा ले पाते हैं बिकॉज ऑफ ब्यूटी ऑफ पास्कल लॉ। यहाँ से जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर ट्रांसमिट करेंगे वो प्रेशर वहाँ तक पहुँचता है पूरे फ्लूड में। तो रिमेंबर पास्कल लॉ का कॉन्सेप्ट एक बेसिक बहुत याद रखिएगा कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्लूड में हो जाती है यानी फ्लूड स्टैटिक रेस्ट में आ जाता है, तब जब आप है ना, तो आप जो प्रेशर ट्रांसफ़र करेंगे एक्स्ट्रा वाला, वो बिल्कुल उसी अमाउंट में हर जगह ट्रांसफ़र होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको पता चल गया कि कंजर्वेशन ऑफ वर्क हाइड्रोलिक लीवर पर कैसे काम करता है। वर्क तो आपको उतना ही करना है जितना हैवी चीज़ को उठाने में रियल में करना पड़ता था। तो वर्क का अमाउंट दोनों ओर सेम है। यहाँ से हम बॉडी को किसी दूसरी बॉडी को लिफ्ट कर रहे थे, कार या ट्रक को, हैं, यहाँ से हम इनपुट वर्क दे रहे थे, तो हमेशा इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क कांस्टेंट आएंगे, सेम आएंगे। बस ये है कि हाई आउटपुट फोर्स का हमको फायदा मिल जाता है जिससे लिफ्ट करना चीज़ को आसान हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई है। टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए। अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।